नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज हम ठोस अवस्था में देखेंगे क्रिस्टल के शब्दावली एवं इकाई कोशिका। देखें कि इसके अंतर्गत कि भाई क्रिस्टल में कौन कौन से शब्दावली का उपयोग किया जाता है, कौन कौन से शब्दों का उपयोग किया जाता है, जैसे त्रिविम जालक, जालक बिंदु, समन्वय संख्या, यूनिट सेल और घनी यूनिट सेल के बारे में बात करेंगे और देखेंगे क्विज। त्रिविम जालक, अब हमने पूरा क्रिस्टल पढ़ा है। क्रिस्टल में उनके संघटक कण को गोलाकार माना गया है और वो गोलाकार कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित हैं। ये जो व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था को आपने कहा ठोसों में संकुलन या क्लोज पैकिंग इन सॉलिड। तो ये जो निबिड संकुलन है या बंद संकुलन है या क्लोज पैकिंग जो है, वो है क्या चीज? ये तो एकदम क्लियर हो गया कि भाई जमावट है, निश्चित रूप से जमावट है। 2D में 3D में जमावट रहती है कणों की। जब ये जमावट आती है तो उसी जमावट के साथ एक निश्चित संरचना भी अंदर की तरफ गोलों के बीच में बनता है। इन्हीं चीजों को, एक वो जो संरचनाएं बनती, उन संरचनाओं को क्या कहा जाता है? त्रिविम जालक कहा जाता है। जब ये कण एक निश्चित क्रम में बड़े लंबे लंबे स्ट्रक्चर के फॉर्म में जमते हैं और एक पूरे एक क्रिस्टल की संरचना को निरूपित करते हैं, यानी जैसा वो क्रिस्टल दिखता है वैसे ही वो जमावट होती है कणों की, तो उसे हम त्रिविम जालक कहेंगे। हम यहां पर इस शब्द को बोलते समय कैसे कहेंगे? त्रिविम आकाश में किसी क्रिस्टल के एककों की नियमित व्यवस्था। यहां पर एकक शब्द जो है यूनिट सेल से है, और यूनिट सेल क्या है? जब गोले जमावट रखते हैं, व्यवस्थित होते हैं, तो एक निश्चित छोटी सी संरचना बन जाती है। जैसे यहां पर देखिए, ये देखिएगा कैसा कैसे रखा गया है, जरा सोचिएगा। मैं आपको यहां पर इसको दिखाता हूं आपको। अब सोचो, यहां पे सोचो, एक बॉल है, ये वाला एक बॉल है, उसके पीछे एक बॉल है, उसके पीछे और एक बॉल है, यानी बॉल 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 है ना। उसी के साथ में पड़ोसी बॉल भी जमे हुए हैं, उसके पड़ोस में भी बॉल जमे हुए हैं। तो देखिए, ये बॉल जमा हुआ है, बॉल जमा हुआ है, बॉल जमा हुआ है, जमा हुआ, ऐसे जमावट है। और ये लंबी संरचना होगी, बहुत लंबी दूरी तक है, ठीक है। ये पूरा क्रिस्टल में दिखाई दे रही है। इसके नीचे कहें या इसके ऊपर कहें, बिल्कुल वही क्रम फिर से जमावट है। तो जो एक बॉल, दूसरा, ये एक बॉल, दूसरा बॉल, तीसरा बॉल, चौथा बॉल, इसी तरह से देखिए इसके पीछे वाला, एक दो तीन चार, ये इतने को ही अगर हम छोटी से रूप में देखें कि एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो आपको ऐसा नजर आ रहा है, क्यूब जैसी संरचना नजर आ रही, घन जैसी संरचना नजर आ रही है। आप देख रहे हैं, ये इस छोटे से भाग को कहा जाएगा यूनिट सेल या क्रिस्टल एकक। क्या कहा जाता है? इकाई कोशिका, इकाई कोष्ठिका कहा जाता है, इकाई कोष्ठिका या इकाई कोशिका, या कहा जाएगा यूनिट सेल। ये यूनिट सेल की एक नियमित व्यवस्था होती है, यानी यही इसके बाद ये एक यूनिट सेल नजर आ रहा है, इसके सामने एक यूनिट सेल नजर आ रहा है, उसके उन दोनों के साइड में दो और यूनिट सेल नजर आ रहे हैं, उन चारों के नीचे भी यूनिट सेल नजर आ रहे हैं। तो एक निश्चित क्रम में ये यूनिट सेल जमा हुआ है। तो इसी को कहा गया है कि यूनिट सेल की एक नियमित व्यवस्था होती है, उसे कहा जाएगा त्रिविम जालक या क्रिस्टल लैटिस। चले, जालक बिंदु, जब पूरा, यानी लैटिस, क्रिस्टल लैटिस, हम जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट की बात करते हैं। लैटिस पॉइंट, कोई भी क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल में जिन स्थानों पर उनके परमाणु, अणु या आयन या कण स्थान ग्रहण करते हैं, उन जगहों को कहा जाता है लैटिस पॉइंट, यानी उन परमाणु, अणु, आयन को ही हम लैटिस पॉइंट कह सकते हैं। तो लैटिस पॉइंट है क्रिस्टल में कणों के द्वारा ग्रहण किया गया स्थान, जालक बिंदु कहलाता है। ये जालक बिंदु है।
तो यह है जालक बिंदु। फिर बात करते हैं समन्वय संख्या शब्द का उपयोग, तो हमने पहले भी किया है, बस परिभाषा के रूप में लिखाया नहीं गया था, तो उनको मैं यहां पर परिभाषा के रूप में आपको दिखा रहा हूं कि आपने त्रिविम जालक क्या है आपको समझ में आ गया। क्रिस्टल में यूनिट सेलों की नियमित व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, क्या बोलते, त्रिविम जालक कहते हैं या लैटिस, क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। आप कुछ इस तरह समझ सकते हो कि भाई घर बनते हैं तो ये ईंट होता है, तो ईंट जो है एक यूनिट सेल है और उस ईंटों के जमावट से एक निश्चित संरचना बनती है, उसे हम एक त्रिविम जालक कह सकते हैं। यानी जो चबूतरा बनता है या छोटी सी दीवार का पार्ट बनता है उसको हम क्या कह सकते हैं, त्रिविम जालक कह सकते हैं। यहां पर वही बात बताया जा रहा है कि जालक बिंदु शब्द क्या है, उन जो ईंटों का जो कॉर्नर्स हैं जहां पर वो कण रखे गए हैं, ये सोच सकते हो आप। तो यहां पर एक बात हुआ, बात है समन्वय संख्या, मतलब पड़ोसियों की संख्या। भाई किसी कण को कितने पड़ोसी घेरे हुए हैं उनको हम उनकी समन्वय संख्या कहते हैं। क्रिस्टल में उनके अवयवी कण को घेरे हुए या स्पर्श करते हुए पड़ोसी कणों की जो संख्याएं होती हैं उनको हम उनकी समन्वय संख्या कहते हैं। जैसे इसमें देखिए ध्यान से, अगर आपको ये नजर आए तो ये एक कण है, इसके पड़ोसी ये है, ये है जो इससे डायरेक्ट टच है, देखिएगा ये देखो, तो एक तल पर ये चार ने घेरा हुआ है, स्पर्श किया, एक नीचे और एक जस्ट ऊपर भी आएगा, क्योंकि देखो पूरे क्रिस्टल में कहीं पर अंत नहीं होता है, वो कंटिन्यू होता है, अंत नहीं होता, वो कंटिन्यू होता है। तो यहां पर इस जगह पर देखो छह ने घेरा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 और ये छह कणों ने घेरा हुआ है, तो इसकी समन्वय संख्या 6 होगी। अब बात करते हैं इसी बात को, किसी क्रिस्टल के किसी जालक बिंदु, जालक बिंदु को हम कण शब्द का उपयोग कर सकते हैं, किसी कण या जालक बिंदु या गोले के को घेरे हुए अन्य जालक बिंदु या कण की संख्या समन्वय संख्या कहलाती है। किसी क्रिस्टल में किन्हीं अवयवी कण को घेरे हुए अन्य कणों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं, यानी पड़ोसी कणों की संख्या को, पड़ोसी कणों की संख्या को हम समन्वय संख्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, पड़ोसी कणों की संख्या, पड़ोसी कणों की संख्या को हम समन्वय संख्या कहते हैं। ध्यान रखेंगे इन बातों को, यहां पर इस चीज को दर्शाने की कोशिश किया गया। देखो ये नीले कलर का जो गोला है इसको कौन कौन से गोले ने स्पर्श किया है, देखिएगा इधर से 1, इधर से 2, इधर से 3, इधर से 4 और इस तरफ से देखो ये 5वां और ये इधर से देखो ये 6वां, 6 गोले ने घेरा हुआ है, इसलिए इनको बोलते हैं, इसकी समन्वय संख्या कितनी है, यहां पर 6 है। हमने वैसे गोले बनाए थे, आपको याद होगा जब हमने पढ़ा था क्या चीज, गोलों में संकुलन, तो हमने यहां पर देख रहे हैं कि हर एक गोले को कितने ने, इसको कितने ने घेरा हुआ है, 1, 2, 3, 4 ने स्पर्श किया है, तो यहां पर इसके समन्वय संख्या 4 है। तो वही बात है, समन्वय संख्या मतलब होते पड़ोसी कणों की संख्या जो उसे स्पर्श करती है। अगला शब्द है यूनिट सेल, इकाई कोशिका, इकाई कोष्ठिका। त्रिविम जालक को अगर आप देखते हो तो उनके सबसे छोटी सी वह इकाई जिसके बारंबार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, यह छोटा सा भाग जो है, इस छोटे से भाग को ही हम कहेंगे यूनिट सेल। इसीलिए लिखा गया है त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बारंबार पुनरावृत्ति से त्रिविम जालक का निर्माण होता है, क्रिस्टल का निर्माण होता है, क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे यूनिट सेल कहा जाता है। तो इस जगह पर यह यूनिट सेल है, यह यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूब जैसा है, घन जैसा है, क्योंकि इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है, इसकी क्यूबिक होगा, ये अलग अलग तरह से हो सकते हैं। तो यूनिट सेल कितने प्रकार का आपने देखा भाई, यहां पर यूनिट सेल एक ही प्रकार का देख रहे हैं, मैं अब ये क्यूबिक यूनिट सेल कितने प्रकार से हो सकते हैं मैं आपको यहां पर अगले स्टेप में समझाता हूं। तो आपको ये पूरी बातें क्लियर हो गई कि क्या क्या चीजें हैं यहां पर, त्रिविम जालक क्या है, क्रिस्टल का वह सबसे छोटी इकाई, ये बोल सकते हैं कि क्रिस्टल का वह भाग
जो यूनिट सेल के नियमित व्यवस्था से बनता है उसे हम त्रिविम जालक कहते हैं। दूसरी बात, हमारा शब्द है जालक बिंदु, उन अवयवी कणों को जिनसे वह क्रिस्टल बनता है हम जालक बिंदु कहते हैं, या जिनसे क्रिस्टल बनता है, यानी यूं कह सकते हैं कि क्रिस्टल का, क्रिस्टल में अवयवी कणों के द्वारा ग्रहण किए गए स्थानों को जालक बिंदु कहते हैं। फिर समन्वय संख्या बातें आती है, तो किसी क्रिस्टल में उनके अवयवी कणों के पड़ोसी कणों की संख्याओं को हम समन्वय संख्या कहते हैं, पड़ोसी कणों की संख्याओं को समन्वय संख्या कहते हैं। एक छोटी सी बात जो आपको जानना चाहिए। फिर बातें आती है यूनिट सेल। यूनिट सेल होता है क्रिस्टल जालक में वह सरलतम रूप जिनके बारंबार पुनरावृत्ति से या बार बार मिलने से पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उस छोटी सी इकाई को हम यूनिट सेल कहते हैं। यूनिट सेल आप देखोगे, यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी। अगर कोई यूनिट सेल बनता है तो किससे बनता है, परमाणुओं से बनता है। तो यहां पर इन चीजों को आप नोट कर सकते हैं। यूनिट सेल कितने प्रकार के हो सकते हैं वो बहुत सारी बातें हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे अगली क्लासेस में, काफी डिटेल होगा। तो छोटी सी आपको बात बताता हूं कि एक बात समझो, अगर ये एक घन है, ऐसे बना लो, इसके पीछे भी बना लो ऐसे, स्केल पेंसिल रबर रखने के लिए बोला था ना बेटा, आप जब तक ड्रॉ नहीं करोगे इस चैप्टर को मजा नहीं आएगा पढ़ने में। एक स्क्वायर, एक स्क्वायर, दो स्क्वायर बनाओ और ऐसे किनारों से इन कुछ किनारों को जोड़ दो, इस तरह से जोड़ दो, बन गया देखो। बस इसमें ड्रॉ करने का खेल है ना, कुछ परिभाषाएं उनको याद रखना है, समझना है, और उसके बाद ये भैया गोले कहां पे रह सकते हैं, परमाणु कहां कहां पे हो सकते हैं, इसमें जरा समझोगे। परमाणु जो है इन कोनों पर हो सकता है, क्योंकि कोनों पर होगा तभी तो ये क्यूब बनेगा। क्या हमने क्या किया है, जो परमाणु है या गोला है, गोले कर में होते ना परमाणु, परमाणु अणु आयन जिसको अवयवी कण कहते हैं, जो क्रिस्टल का जो अवयवी कण है गोलाकार कण है। तो फुटबॉल किस जगह पे रहेगा, जमा दिया हमने, अब वो इस तरह जमा हुआ है कि एक दो तीन चार, इन चार के ऊपर चार रखे हुए हैं, तो उन सारे फुटबॉलों के केंद्र बिंदुओं को अगर आप जोड़ोगे तो भाई मैं आपको बोलूँगा एक दो तीन चार, और इसके ऊपर चार और रखे हुए हैं, तो नीचे वाले चार के केंद्र बिंदुओं को मैंने जोड़ा तो क्या मिल गया, ये वर्ग बन गया। इसके ऊपर वाले को बनाऊंगा तो इसको अब तो दिखाई नहीं देगा बेटा, हम लोग ऐसे बना भी नहीं सकते ऐसे, है ना, 3D में बनाना बहुत तकलीफ देता है। तो इस तरह समझो कि इसके पीछे की साइड समझो, तो ये रखा हुआ है, ये गोले हैं और ये इस तरह से गोले हैं, तो इसके पीछे वाले जो गोले हैं इनके केंद्र बिंदुओं को मिलाने पर ये मिला हमें, और इस तरह से क्यूब दिखाई दे रही है। तो ये तो कचरा जैसा हो गया ना, बाकी सुनना समझना है, इस चित्र को नहीं बना पाएंगे, तकलीफ होगा। सो इसके लिए आसान तरीका है बनाने का कि आप एक क्यूब बनाओ, एक क्यूब बनाइए, और ये बता रहे हैं कि ये जो किनारा, ये कोना है, ये कोना है उन परमाणुओं का केंद्र बिंदु, तो एक गोला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवां, सभी एक दूसरे से टच है ना, ये इनसे, ये वाले से ये दोनों टच है, ऐसे करके, तो इनसे ये तीन, ये भी, ये सॉरी, इनसे ये दोनों टच है, तो इनसे ये दोनों टच है, इससे ये भी टच है, तो ये सोच सकते हो। तो ये सभी गोले एक दूसरे से लगे हुए हैं, तो हम इनको दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए, अपने चित्रों को कॉपी में बनाने के लिए हम ये सोचते हैं कि गोले को थोड़ा छोटा बना दें, इनके किनारों पर रखा हुआ है ऐसे दर्शाने के लिए, इस तरह बना देते हैं, परंतु ये सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, टच है। ये देखिए इन जगहों पर रखा हुआ ये गोले, सब समान साइज का है। अच्छा बड़ा बना दिया क्या, मैं छोटा बना देता हूं, इस साइज में। तो आप देख रहे हो कि गोले इस तरह से स्थित हैं कि गोले के केंद्र बिंदुओं को जोड़ने पर एक क्यूब बनता है। ये एक क्रिस्टल का सबसे छोटी इकाई है जिसको हमने कहा है यूनिट सेल। तो ये बन गया एक यूनिट सेल, ये बन गया एक यूनिट सेल। यूनिट सेल में गोले कहां हो सकते हैं, कोनों पर हो सकते हैं, तो कोनों पर जब होगा तो इसका योगदान कितना होगा, कोनों पर जब ये होगा तब इसका योगदान होगा, क्योंकि ये कोना जो होता है ना, अब ये बात बेटा बेटा मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, उससे अच्छा कि सिर्फ याद रख लो,
क्योंकि ज्यादा एक्सप्लेन करने में पूरा लेक्चर निकल जाएगा, दूसरे लेक्चर की जरूरत पड़ जाएगी। सो मैं कह रहा हूं कि यहां पर याद रख लो, कोने पर जब गोले होंगे तो इस क्यूब के अंदर, इसके अंदर ये जो क्यूब दिख रहा है ना, उसके अंदर इसका सिर्फ 1/8 हिस्सा ही होगा। तो कितना हिस्सा होगा? कोने पर जब होगा तो 1/8 भाग होगा। इसका गोले का योगदान क्या होगा? परमाणु का योगदान कितना होगा? 1/8 होगा। अब गोले कहां हो सकते हैं? इस फलक पर भी हो सकते हैं। फलक मतलब दीवाल। मान लो ये बोर्ड जो है एक दीवाल है, इसमें गोला, इस बिंदु से एक गोला है, तो गोले का आधा भाग इस तरफ होगा, आधा भाग उस तरफ होगा। तो ये यूनिट का, यूनिट सेल का सिर्फ आधा भाग होगा। तो अगर फलकों पर होगा तो फलक मतलब होता है दीवार, फलकों पर होगा तो इसका 1/8 भाग होगा, 1/2 भाग होगा, मतलब आधा भाग ही इधर का होगा, 1/2 भाग होगा। अब अगर कोई गोला केंद्र, ये केंद्र पर, ये कहां पर है? फलकों पर। फलक पर है ये भाग, कहां पर? कोण पर है। और ये कहां पे? केंद्र पर है। तो जब केंद्र पर होगा तो कितना भाग होगा इस गोले का? केंद्र पर होगा तो ये गोला जो है, ये परमाणु जो है, इस क्यूब के पूरा अंदर है। इसका मतलब है ये पूरा 1 भाग इसके अंदर होगा। अब सवाल ये होता है कि गोला जो है या परमाणु जो है इस किनारे पर भी हो सकता है। तो ये कोरों, इसको किनारे को कोर कहा जाता है, तो इसको कहेंगे कोर पर। तो कोरों पर जब होगा तो इसका 1/4 भाग होगा। मतलब एक परमाणु का कितना योगदान होता है एक यूनिट सेल में? कोनों पर होगा तो 1/8 भाग ही इसका स्थान घेरेगा। फलक पर होगा, दीवाल पर होगा तो 1/2 भाग होगा। अगर केंद्र पर होगा तो 1 भाग होगा, और अगर कोर पर हो यानी किनारे पर हो तब वो उसका 1/4 भाग होगा। ये हमें याद रखना है। अब इसको जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाते जाऊंगा हर बात क्लियर हो जाएगा। 1/4 भाग ही क्यों होगा? 1/8 भाग ही क्यों होगा? ये मैं आगे जब कुछ फिगर्स दिखाऊंगा, कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा तो वो क्लियर हो जाएगा। तो चलें आगे बढ़ते हैं। घनी यूनिट सेल 3 प्रकार के होंगे। हमने घनी यूनिट सेल में इनके भागों के बारे में बात किया। घनी यूनिट सेल 3 प्रकार के होंगे। एक कहलाता है साधारण घनी इकाई कोशिका, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसको SCC कहेंगे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा होता है फलक केंद्रीय इकाई कोशिका, यानी कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC। अगला होता है काय केंद्रित घनी कोशिका, जिसको बोलते हैं अंतः केंद्रित घनी कोशिका भी कहते हैं। ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल कहलाता है, BCC कहलाता है। इन सब के थोड़े डिटेल्स देख लेते हैं एक एक करके। अब देखो ये चीज आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि जो मैंने फिगर दिखाया था वो चीज सचमुच में ऐसा क्या है। देखो मैंने बताया था कि 4 गोले, देखिए एक जमीन पर 4 गोले रखे हुए हैं, उनके ऊपर 4 गोले और रखे हुए हैं। अगर इनके केंद्र बिंदुओं को अगर मैं मिलाता हूं तो देखो सामने से क्या मिल रहा है आपको, एक क्यूब नजर आ रहा है। ये नीचे वाला और पीछे वाला जो 2 गोले हैं इसके साथ अगर मिलाता हूं तो मुझे ऐसे भी नजर आ रहा है। इधर पीछे वाले के साथ भी मिलाता हूं तो मुझे ऐसे नजर आ रहा है, देखें। और इस तरह से अगर मैं मिला दिया तो एक क्यूब नजर आया, आया ना। तो सामने वाले गोले का केंद्र बिंदु पीछे वाले गोले के केंद्र बिंदुओं को मिला करके मैंने क्यूब, तो यही जो संरचना है हमने सरल रूप में देखने के लिए अपने अपने हाथों से अगर इस चीज को बनाना है तो मैंने इस तरह से दिखाया कि भाई एक क्यूब बना है और क्यूब में हमने किनारों पर गोले रख दिए हैं, परमाणु रख दिए हैं। तो आप देख रहे हो कि क्यूब के केवल कोनों पर ही ये परमाणु रखे गए हैं, तो इसे कहा जाएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि SCC कहा जाएगा, SCC साधारण घनी इकाई कोशिका कहा जाएगा। तो ये साधारण घनी इकाई कोशिका, जो इस तरह से इकाई कोशिका का, देखो ये गोले जो दिख रहे हैं इकाई कोशिका के भाग में कितना आएगा, यानी इस क्यूब के अंदर कितना आएगा, तो इस बात को हम समझे, जो एक्स्ट्रा भाग है यानी इस गोले का जो इस क्यूब के बाहर का जो भाग है उसको हम निकाल दें तो हमें देखो कैसे नजर आएगा। तो एक घन जो नजर आ रहा है आपको, ये एक घन है, इस घन में गोले का, देखो इस गोले का, इस किनारे वाले गोले का
बाकी हिस्सा पूरा कट के निकल गया, जिसका बाकी हिस्सा पूरा ऐसे जो रहता है ना, ऐसे रहता है, उसका बाकी हिस्सा कट के निकल चुका है, तो बच गया है सिर्फ 1/8 हिस्सा ही इसमें बच गया है। तो एक गोले का 1/8 हिस्सा बच गया। तो 1, 2, 3, 4, चार ऊपर वाला कोना है, नीचे वाला 1, 2, 3, 4, तो आप देख रहे हो 4, 4, 8, 8 कोने पर 8 1/8 भाग है। मतलब यहां पर परमाणु का कुल योगदान कितना है, कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? इसमें कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? देखो परमाणुओं की संख्या कितने हैं, 8 कोनों पर है। परमाणु कितने हैं, 8 कोनों पर है। तो यहां पर है 8 गुना कोनों पर होता है तो 1/8 हिस्सा होता है, मतलब 8 × 8, 8 × 8 कट गया, तो 1। मतलब ये एक यूनिट सेल केवल एक ही परमाणु से बना हुआ है। एक परमाणु को अगर काट करके 8 भाग में बांट दिया जाए और उनको कोने में लगा दिया जाए तो एक क्यूब जैसी संरचना बन जाएगी, ये समझो। मतलब हर एक यूनिट सेल एक परमाणु से बना होता है। इसका पूरा डिटेल मैं आगे और करूंगा, यहीं पर हल्का फुल्का दिखा दे रहा हूं। यहां पर देखो चार गोले हैं, देखो 1, 2, 3, 4, ये चार गोले जो हैं, चार परमाणु जो है, चार कोनों पर है। थोड़े परमाणु में दूर चले गए इसमें और इनके बीचों बीच इस तरह से गोले आ गए हैं। देखो ये चार गोले हैं, 1, 2, 3 और ये चार आए और इन सब बीचों बीच एक और गोले आ गई है। तो ये है एक फलक यानी कि दीवाल, इधर पीछे भी ऐसे ही रखे हुए हैं। अभी तो आगे पीछे को आपको देखना पड़ेगा, आप अपनी निगाहों से देख लो तो समझ में आएगा पूरी बातें। तो इस तरह से आपने देखा कि यहां पर गोले कहाँ पे हैं, कोनों पर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 छिप गया है, तो 8 कोनों पर है। और हर एक फलक, ये फलक है दीवाल, इस दीवाल के बीचों बीच है। ये ऊपर में देखो, ये एक दीवाल जैसा, इनको हम काल्पनिक रेखाओं से जोड़ दें तो इस पर बीचों बीच एक गोले रखे हुए हैं, तो हर एक फलकों के केंद्र पर भी रखे हुए हैं गोले। तो गोले ये FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फलक केंद्रित घनी यौनिक इकाई कोशिका में आप देख रहे हो कि गोले कोनों पर रखे गए हैं, 4 × 8 गोले, लेकिन उस फलकों के मध्य भी है। तो यहां पर देखो इस जगह पर 1/8 हिस्सा है कोनों पर, लेकिन जो गोले का आधा भाग आप ध्यान से देखिए तो आधा भाग, 1/8 भाग यहां पर रखा हुआ है। तो इनमें परमाणुओं की संख्या कितनी है, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे जरा देखिए। यहां पर परमाणुओं की संख्या को कैलकुलेट करता हूं, परमाणुओं की संख्या को, तो 1/8 देखो 8 कोनों पर है, 8 कोनों पर है, तो कोनों का मान होता है 1/8 प्लस 6 फलकों पर है, फलकों का मान होता है 1/2। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये हुआ 1 × 3 यानी कि 4। ये पूरा यूनिट सेल 4 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। मैं आपको कैलकुलेट करके और भी बताऊंगा, एक ही बार में खत्म नहीं करूंगा, ताकि आपको समझ में आ जाए पूरी बातें। यहां पर देखिए कि भाई ये देखो 8 किनारों पर है, क्यूब के 8 किनारों पर गोले हैं और एक गोला अंदर बीच में फंसा हुआ है, तो ये कहला गया BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो देखो किनारों पर 1/8 भाग वाला भाग कोने पर 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7, 8 है और बीचों बीच एक गोला है, तो ये कहलाता है BCC। मैं सभी को एक एक करके आपको समझाते हुए आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले हम देखेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल SCC। अगर हम इसके गोले बन अगर हम इसके यूनिट सेल बनाए तो हम कैसे बनाएंगे, ये एक क्यूब बना लेते हैं। क्यूब बनाने का तरीका भी बताया था, अगर आपके पास स्केल है तो 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर लंबाई, 4 सेंटीमीटर चौड़ाई, ये दे करके एक बना लो। फिर उसके बाद थोड़ा दूरी पर ऐसे ही 4 4 सेंटीमीटर के हिसाब से बना लो, बन गया। चलिए बन गया। अब इनके किनारों को मिला लो, अब इन जगहों पर किनारों पर गोले लगा दो, परमाणु लगा दो। चलो तो SCC में परमाणुओं की संख्या कितनी है, चलो पता लगाते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं, में परमाणुओं की संख्या
परमाणुओं की संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ परमाणु हैं, आठ कोनों पर परमाणु है, परमाणु की संख्या है कोनों पर है कितने, आठ, तब आठ है, कोनों का वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है, तो कितना वैल्यू हुआ, एक, एक परमाणु से बना हुआ है ये। अगर मैं FCC की बात करूं तब ये कैसे बनेगा, बिल्कुल ऐसे क्यूब बनाओ, चलो एक क्यूब बनाओ, क्यूब बनाने तो आ गया आपको, क्यूब बन जाए उसके बाद इनके कोनों पर परमाणु रख दो, ये लो आठ कोनों पर परमाणु होंगे, फिर इनके फलकों पर, एक फलक मतलब दीवाल, दीवाल कितने होते हैं घर में आपके, एक ये वाला हो गया, सामने वाला दो हो गया, तीन चार, ऊपर भी है नीचे भी है, टोटल दीवाल छह है भाई, ऐसे इसके छह हैं, ऊपर नीचे दो हो गया, आमने सामने ये दो हो गया, और आगे और पीछे दो हो गया, लेफ्ट राइट आगे पीछे, टोटल छह जगहों पर। तो हम क्या कहेंगे यहां पे, परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होगी, परमाणुओं की संख्या कितनी है, कोनों पर है तो आठ कोनों पर धन छह फलकों पर, टोटल कितना हुआ, 8 × 1/8 कोनों पर की वैल्यू हो गई, 6 × फलकों पर का वैल्यू कितना होता, आधा, तो कितना हो गया, 1 × 3 = 4, चार परमाणुओं से बना हुआ, चार परमाणुओं का योगदान है इसको बनाने में। अब बीसीसी में कैसे बनाओगे गोले, ये एक क्यूब बना दिए आपने, घन बना दिए, इनके किनारों को आपने जोड़ दिया, कोनों पर तो होंगे भाई, आठ जगहों पर होंगे तभी तो कोने का क्यूब बनेगा, मतलब किनारों पर तो होगा ही होगा तब ये क्यूब बना। अब वो जो गोला है एक जो है वो केंद्र पर है, तभी बीसीसी हुआ, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, अंतः केंद्रित। अब बताओ परमाणुओं की संख्या कितनी है, की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी, परमाणु कहां पे बेटा, कोनों पर है, आठ जगहों पर, तो आठ कोनों पर प्लस एक केंद्र पर कितना हुआ, 8 × 1/8 धन 1 × 1 = 1 / 1 = 2, दो परमाणु हैं। परिभाषित करना बहुत आसान है, कैसे इसको, एससीसी को कैसे परिभाषित करोगे, साधन घनी यूनिट सेल को कैसे परिभाषित करोगे, जब ऐसे लिख सकते हो, वे यूनिट सेल, वे घनीय इकाई कोशिका जिसके केवल कोनों पर ही परमाणु होते हैं, रहते हैं, क्या कहलाते हैं, SCC कहलाते हैं, ऐसे परिभाषित करो। इसको कैसे परिभाषित करोगे, देखो, वे घनीय इकाई कोशिका जिसके कोनों के साथ साथ, कोनों के अतिरिक्त, कोनों के साथ या कोनों के अतिरिक्त साथ उसके फलकों
केंद्र में भी परमाणु स्थित होते हैं। इसमें क्या लिखोगे? वे घनी कोशिका जिसके कोणों के साथ उनके केंद्र में परमाणु स्थित होते हैं। ये फलकों के केंद्र में, इसके घन के केंद्र में, फलकों की जगह क्या लिखोगे? घन के केंद्र में परमाणु उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से परिभाषाएं लिखी जा सकती हैं। चलो आगे चलते हैं कुछ बातों को देखते हुए। ये परिभाषा यहां पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। साधारण घनी इकाई कोशिका यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, वे इकाई कोशिका जिसके केवल कोणों पर ही कण यानी परमाणु उपस्थित होते हैं, इसको क्या कहते हैं? SCC कहते हैं। और इसके निर्माण में केवल एक परमाणु या एक कण का ही योगदान होता है। यहां पर गोलों के द्वारा संकुलन गुणांक या संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी, संकुलन क्षमता 52% होता है। इसमें संकुलन क्षमता कितने होता है? 52% होता है। यहां पर वो गोले और सारी संरचना नजर आ रही होंगी, और आपको दोबारा मैं बना के दिखा देता हूं ताकि आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। ये लीजिए, और अब आप इस चीज को सीख चुके हैं। ध्यान रखिएगा, ये गोला जो है यहां पर, अगर मैं इसको अलग से दिखाऊं इस तरह से, तो आप देखो ये परमाणु दिख रहे हैं, और ये एक इस परमाणु, ये दूसरा परमाणु दिख रहा है, ये केंद्र है, ये केंद्र है। तो गोले की त्रिज्या को हम R से दर्शाएंगे, और इसके इस घन की जो दूर, ये जो है यहाँ से कोर की जो लंबाई होती है, कोर की जो लंबाई है, कोर की लंबाई को A से दर्शाएंगे। और आप याद रखिएगा ये त्रिज्या R है, और यहाँ पर आपको पता है D2R होगा क्योंकि ये व्यास है, डायमीटर है, व्यास, व्यास को D से दर्शा रहे हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि परमाणुओं के मध्य की दूरी जो है, परमाणुओं के मध्य की दूरी जो है वो किसके बराबर है? A, क्योंकि दोनों के यहां से यहां तक के बीच की दूरी होगी। और दूसरी बात होगी कि परमाणु की जो त्रिज्या है उसको R से दर्शाएंगे, और R की जो वैल्यू है किनारों की लंबाई के आधा होगा, क्योंकि देखो किनारों की लंबाई यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? A है, जिसको कोर की लंबाई कर रहे हैं, और ये कोर की लंबाई जो है ये R, यहां से देखोगे ये R प्लस R के बराबर है, यानी कि 2R के इक्वल होगा। किनारों की लंबाई कितनी होगी? कोरों की लंबाई कितनी होगी? कोरों की लंबाई कितनी है? कोरों की लंबाई a होगा 2r के बराबर। तो त्रिज्या कितना हुआ? त्रिज्या हुआ a बाई 2। परमाणु की संख्या कैसे कैलकुलेट करना है मैंने अभी आपको बता दिए हैं। अगली बातें हैं कि फलक केंद्रित इकाई कोशिका, फलक केंद्रित इकाई कोशिका में क्या होगा? फलकों पर होगा, कोणों के अतिरिक्त फलकों पर भी गोले उपस्थित होंगे। तो एक बात यह हुआ, इसमें संकुलन क्षमता जो है वो कितना होता है? 74% होता है। मतलब इसमें परमाणु में बहुत ज़्यादा सटे रहते हैं एक दूसरे से, ये होगा। तो फलकों की जो है, क्या बोला मैंने? फलकों की मध्य में भी होगा, और कण जो है बहुत ही सघनता से जुड़े होंगे, तो 74% संकुलन क्षमता होगी। परमाणुओं के मध्य की दूरी जिसे हम d से दर्शा रहे हैं, तो d के वैल्यू जो होगा यहां पर, d की वैल्यू जो है वो होगा a बाई अंडर रूट 2, और इसकी त्रिज्या क्या होगी? इसके तो a बाई 2 अंडर रूट 2 होगा। कैलकुलेट कैसे करना है? परमाणुओं की संख्या मैंने अभी बता दी है थोड़ी देर पहले, तो ये यहां पे बताया था मैंने, ये कैसे कैलकुलेट करना है, तो आप इसी तरह से कैलकुलेट करोगे। चलो साहब, अब बात करते हैं यहां पे अंतः केंद्रित। तो यहां पर भी कैलकुलेट कैसे करोगे ये भी आपको बता दिया था मैंने। तो अंतः केंद्रित में कितना होगा ये आप देख लीजिएगा। तो यहां पर d इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 3
इसकी वैल्यू जो है ए बाई अंडर रूट थ्री बाई ए होगा, अंडर रूट थ्री बाई टू होगा, अंडर रूट थ्री बाई टू होगा, तो ए से मल्टीप्लाई करें तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास, तो आर जो वैल्यू है वो होगा ए इंटू अंडर रूट थ्री बाई टू इंटू टू, यानी कि ए अंडर रूट थ्री बाई फोर होगा इसकी वैल्यू सब। और इसके द्वारा जो संकुलन क्षमता जो है, क्षमता 68% होगा बीसीसी में। इनमें कुल कणों का योगदान जो है वो अंतः केंद्रित है, तो एक कण का योगदान होता है, सॉरी दो कणों का योगदान होता है, चार नहीं दो कणों का योगदान होगा। इसमें चार का होगा, इसमें दो का होगा। और कैसे कैलकुलेट करने हैं वो तो मैं बता चुका हूं, तो इसमें प्रैक्टिस में इसके साथ पूरे प्रैक्टिस के साथ नीचे आप जरूर लिखिएगा। तो ये है यूनिट सेल पीसी। साथ में अब आपको मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा कि एक काम आगे की पढ़ाई के लिए जरूर करके रखिएगा, पहले से थोड़ी सी तैयार होकर रखिएगा, स्केल पेंसिल रबर उठा के रखिए जैसे कि मैंने पहले कहा है। तो कुछ चीजों पे आप पूरी मेहनत के साथ रहिए ताकि जब उन चीजों को समझाया जाएगा सिखाया जाएगा तो आपके लिए बहुत ही फास्ट और बहुत ही अच्छा हो जाए। वो है कि क्यूब बनाना, जो क्यूब बनाने का प्रश्न है इसको मैं थोड़ा सा आपको एक बार हल्का फुल्का बता दूं ताकि आपकी तैयारी हो जाए। ये एक 8 सेंटीमीटर का एक क्यूब बना लीजिए, क्योंकि यहां पर ड्रॉ कर करके बहुत सारी चीजों को सीखा जाता है, तो यहां पर बहुत सारी चीजें हमको समझ में आएगी। ऐसे आप एक क्यूब बना लीजिए, 8 सेंटीमीटर लंबाई, 8 सेंटीमीटर चौड़ाई, फिर ऊंचाई हो गया 8, चौड़ाई हो गया 8। फिर सेम आप कुछ दूरी पर लगभग 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में ऐसे ये 3 सेंटीमीटर का आसपास का बना लो, और फिर सेम चीजें 8 बाई 8 में बना लीजिए इस तरह से। ये बना लीजिए, अब इन कोनों को मिलाओगे तो ये 3-3 सेंटीमीटर का होगा, एक क्यूब बन जाएगा। जैसे कि हमें अभी एक जरूरत पड़ी थी तो बात हमको एकदम ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा था, ये कर लीजिए। तो पहले ये क्यूब बन जाना चाहिए, आपको समझ में आ गया, बस मेरे साथ ड्रॉ कर लो, बस आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगा। फिर ये करने के बाद एक काम और करिए कि आप जैसे कि जानते हो ये लंबाई जो 8-8 सेंटीमीटर का है और ये 3 सेंटीमीटर का है, तो आपको यहां पर 3 लाइनें मिल रही हैं, ऐसे वाला लाइन मिल रहा है उसको 8 सेंटीमीटर को आप बीच में पॉइंट कट करो तो क्या होगा, वो 4 सेंटीमीटर में टूट जाएगा दो पार्ट में। जैसे ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये वाली है, तो इनको 4-4 सेंटीमीटर में एक कट कर लो, ये लीजिए। ऐसा करने के बाद इनको आपस में इस तरह से जोड़ दो, आगे वाला और पीछे वाला। आप अपने हिसाब से देखिए, क्योंकि यहां पर तो हम थोड़े से अनुमान में चलता है, ये लीजिए, इसको बना लीजिए और इनको आप इस तरह से जोड़ दीजिए, हो गया। फिर ये जो खड़ी लाइन है इस तरह का, उसका हाफ देख लो, ये खड़ी लाइन का हाफ क्या होगा, 4 सेंटीमीटर आप, तो इस तरह से ये 4 में जाएगा, तो इनके साथ, और ये आपस में इनको जोड़ दो। इस चैप्टर में सबसे बड़ी चीज है स्केल पेंसिल रबर का बहुत यूज है, और उन चीजों का यूज करना है और बार बार ड्रॉ करना है, क्योंकि ड्राइंग के साथ ही इस चीज को समझा जा सकता है। ये हो गया। फिर अब ये जो लाइन ऐसे वाला है ना, उसको हाफ कर लो, 3 को 1.5 कर दोगे तो हो जाएगा। ये जरूरत पड़ेगी तो मैं एक बार और सिखा दूंगा आपको, ऐसे ऐसे जोड़ लिए, ये लीजिए। तो मैंने कैसे कैसे किए हैं, इसको आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना नहीं है, आपको परफेक्ट आना है इसको, ये चीज आपको आना चाहिए, ताकि जो भी स्ट्रक्चर बताया जाएगा उस स्ट्रक्चर को आप बहुत अच्छा आसानी से समझ पाओ।
तो ये होगा। फिर इसके बाद आप ध्यान से देखो, हर एक जो फेस है, फलक है, दीवाल है, उस दीवाल को ध्यान से देखो। जैसे मैं इस दीवाल को अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो मुझे इस दीवाल में क्या नजर आता है? इस दीवाल में मुझे नजर आ रहा है एक क्रॉस नजर आ रहा है इस तरह से। तो ये सेंटर पॉइंट हो गया इस फलक का, इस दीवाल का। वैसे अगर ये ऊपर वाले को मैं अगर देखूं तो मुझे क्या नजर आ रहा है? ऐसा बना हुआ दीवाल है, देखो ऐसे बना हुआ दीवाल है, इसमें भी मुझे क्रॉस नजर आ रहा है। ऐसे हर एक दीवाल में क्रॉस आपको दिखाई देगा। तो देखिए, तो ये आगे वाला दीवाल है ये वाला, और ये पीछे वाला दीवाल है, इन दोनों के मध्य ये क्रॉस पॉइंट मिलता है। इन दोनों को आप जोड़ दीजिए इस तरह से। वैसे ही ऊपर वाले दीवाल और नीचे वाले दीवाल के क्रॉस पॉइंट को जोड़ दीजिए आप। वैसे ही इस साइड वाला और उस साइड वाले क्रॉस पॉइंट को जोड़ दीजिए आप। बस ये एक तैयारी है इस चैप्टर को अच्छे से समझने का, ये कर लीजिए पहले। इस चैप्टर को अच्छे समझने की एक तैयारी है ये कर लीजिए। तो ये मुझे लगता है कि आप सबसे हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, बड़ी चीज नहीं है। मैं नहीं चाहता कि शुरुआत से आपको थोड़ी तकलीफ हो और चीजों को आप आराम से समझते हुए आगे बढ़ सकें, तो ये काफी आसान लगेगा और मजा भी आएगा। अब चलते हैं कि आयनिक क्रिस्टल का दोष पढ़ने वाले हैं आगे जा करके, तो उसके लिए एक छोटी सी बात को समझना जरूरी है कि जैसे मैं कहता हूं ये आयनिक क्रिस्टल है मेरे पास, वो है NaCl। NaCl बना हुआ है दो आयनों से, वो है Na प्लस और Cl माइनस आयन। याद रखिए इसमें कि हर एक Na प्लस का पड़ोसी Cl माइनस होगा और हर एक Cl माइनस का पड़ोसी एक Na प्लस होगा। तो हम एक सामान्य रूप में इसको देखना चाहते हैं और कुछ इस तरह से देखते हैं कि भाई एक आदर्श क्रिस्टल जो होगा उसमें Na प्लस का पड़ोसी होगा Cl माइनस, अगर NaCl की बात करता हूं तो। इसी तरह से Na प्लस Cl माइनस, इस तरह से पूरे क्रिस्टल व्यवस्थित है। तो NaCl आदर्श क्रिस्टल का मतलब क्या हुआ? जिसमें किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट नहीं है, कोई दोष नहीं है। तो हम यहां पर Na प्लस का पड़ोसी इस जगह पर क्या होगा? Cl माइनस, और ये क्या होगा? Na प्लस Cl माइनस, 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 Na प्लस होगा। ये आपस में एक दूसरे को किसी ना किसी तरह से आकर्षित कर रहा है, और यह आकर्षण बल कौन सा है? स्थिर विद्युत आकर्षण बल है। एक ठोस में यह स्थिरता से जुड़ा हुआ है। हां, एक बात हमेशा याद रखिएगा, Na प्लस का पड़ोसी 4 Cl एक प्लेन पर है, लेकिन इसके ऊपर एक Cl माइनस और है, और उसके नीचे भी एक Cl माइनस है। मतलब हर एक Na प्लस जो है 6 Cl माइनस से घिरा हुआ है, और हर एक Cl माइनस जो है 6 Na प्लस से घिरा हुआ है। इसका मतलब होता है कि Na प्लस की कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स, और इसी तरह से सी एल माइनस की कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स होगा, यानी कि उसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? दोनों का 6 6 होगा। एक आदर्श क्रिस्टल में, यानी एक ऐसा क्रिस्टल जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है, वो कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन हो सकता है इसमें कोई दोष हो, इनके बारे में हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। फिलहाल हमने आज पढ़ा क्रिस्टल के महत्वपूर्ण शब्दावली, त्रिविम जालक, जालक बिंदु, समन्वय संख्या, यूनिट सेल तथा घनी इकाई कोशिका के प्रकार और क्विज।
नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्रिस्टल दोष। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।